देश भर में ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि कोरोना की तीसरी लहर आने की संभावना है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। हालांकि हॉस्पिटल प्रशासन ये जरूर कहा है कि अभी जो वार्ड उनके पास है उसके दो हिस्से नहीं किए जा सकते। कोरोना की तीसरी लहर आने की संभावनाएं जताई जा रही है। सामान्य हॉस्पिटल के चिकित्सक डॉक्टर विष्णु बताया कि वे सरकार के प्रोटोकॉल के हिसाब से ही बच्चों का इलाज करते हैं। उन्होंने बताया कि तीसरी लहर आने की संभावना जताई जा रही है, उसके लिए सभी प्रकार की तैयारियां हो रही हैं। उन्होंने बताया कि सरकार ने उनसे दवाइयां आदि के लिए भी डिमांड मांगी है, जो कि दी जा चुकी है। सपना गहलावत ने बताया कि तीसरी लहर के आने की संभावना है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आएगी। उन्होंने बताया कि उन्होंने दो अलग से वार्ड बनाने की योजना बना रखी है। अगर बच्चों में ज्यादा ही बीमारी आती है तो सभी व्यवस्था बनाई जाएगी, किसी को घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्या कहना है सपना गहलावत, सीएमओ भिवानी का, सुनिए। जी मैम, थर्ड वेव की जो आशंका जताई जा रही है वो आने वाले 2 महीने बाद हो सकता है कि हमें थर्ड वेव देखने को मिले, जो कि बच्चों पर असर करने की आशंका है। इसमें जो स्टेट की गाइडलाइंस के हिसाब से जो आंकड़े हम लोगों ने एक्सपेक्ट किए हैं कि इतने केसेस हो सकते हैं, उसका रफ एस्टिमेट हम लोगों ने निकाला है। जो पॉपुलेशन का 35% है वो एज ग्रुप जो है हमारा 0 to 18 ईयर्स तक का बैठेगा, और उसमें से भी जो 20% जो एज ग्रुप में फॉल करेंगे, सिर्फ उन्हीं को ही आशंका है कि कोविड जो है अफेक्ट करेगा। और बच्चों में क्योंकि इम्यूनिटी जो होती है, इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है, उसको देखते हुए जो लहर है वो बहुत ज़्यादा सीरियस लहर होने की आशंका नहीं जताई जा रही है। और इसमें भी जो 20% पॉपुलेशन जो अफेक्ट होगी, उसमें 90% ऐसे रहेंगे जो बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक होंगे, यानी स्क्रीनिंग पे सिर्फ पॉजिटिव आएंगे, अदरवाइज उनको कोई सिम्टम्स नहीं नज़र आएंगे। इसमें से फिर उसके बाद में 20% ऐसे होंगे जो थोड़े मॉडरेट लेवल के होंगे, और सिर्फ 1-2% ही रहेंगे जो सीरियस केस बनेंगे। तो अगर हम ये कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास 800 से 1000 पेशेंट ही सिर्फ सीरियस कैटेगरी में फॉल करेंगे। बाकी इसमें ज़्यादा घबराने की और पैनिक सिचुएशन लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो लहर रहेगी उसकी यही आशंका जताई जा रही है कि ज़्यादा सीरियस नहीं रहेगी। लेकिन सावधानी बरतनी बहुत ज़रूरी है। हमारी जो स्क्रीनिंग है, टेस्टिंग है, वो हम फुल जोरों से करेंगे। इसके लिए जो तैयारियां हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, सीएचसी लेवल पर, सब डिविजनल हॉस्पिटल लेवल्स पर और पीएचसी लेवल पर पूरी तरह से की जा रही हैं। इसकी जो हमने तैयारियां हैं शुरू कर दी हैं। इसके रहते डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो हैं इंस्ट्रूमेंट्स हैं या फिर कोई लॉजिस्टिक्स का सामान है, मेडिसिन हैं, उसकी डिमांड लिख दी गई है स्टेट की, और वो जल्द ही हम लोगों को मिल जाएगी। ऐसी ही डिमांड सीएचसी, सब डिविजनल हॉस्पिटल्स और पीएचसी लेवल पर भी भेज दी गई है। जितने भी हॉस्पिटल फैसिलिटीज़, हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, उसमें जो भी ऑक्सीजन बेड्स या आइसोलेशन बेड्स एडल्ट्स के लिए यूज़ किए जा रहे थे, उन बेड्स को अब पीडियाट्रिक केयर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, और सभी बेड्स को ऑक्सीजन युक्त और पल्स ऑक्सीमीटर के साथ में युक्त कर दिया जाएगा, ताकि ज़रूरत पड़ने पर ये काम आ सके। जो रिक्वायरमेंट है सभी हेल्थ फैसिलिटीज़ की, वो सब मिला के स्टेट लेवल पर भेज दी गई है। जो डॉक्टर्स की ट्रेनिंग का जहाँ तक सवाल है, वो हम लोगों ने जूम ट्रेनिंग करके सारे ही मेडिकल ऑफिसर्स को ट्रेन कर दिया है। 3 ट्रेनिंग सेशंस हम ऑलरेडी दे चुके हैं। इसमें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को भी इंक्लूड किया गया है। जो ट्रेनिंग दिलाई गई है वो हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो पीडियाट्रिशियन है डॉक्टर रीटा, और जो इंडियन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिशियंस जो डॉक्टर्स हैं उनको भी इंक्लूड किया गया है। आज ही हम सभी जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं उनसे भी हम एक मीटिंग करेंगे, ताकि उनका भी सहयोग थर्ड वेव अगर आती है तो पूरा हमें सहयोग मिले। इन लोगों को, इन डॉक्टर्स को हम जोड़ना चाहेंगे थर्ड वेव की मुहिम को लड़ने के लिए अगर आती है तो इससे काफ़ी सहायता हमारे डॉक्टर्स को और स्टाफ को मिलती रहेगी। इसमें जो नर्सिंग स्टाफ है और जो बाकी लैब टेक्नीशियंस हैं उनको भी स्पेशल ट्रेनिंग देने का हमारा प्लान है, क्योंकि बच्चों का सैंपल कैसे लेना है, बच्चों की केयर कैसे करनी है, बच्चों को नेबुलाइज कैसे करना है, उसके लिए स्किल ट्रेनिंग के अलग से सेशंस लगाए जाएंगे। और जो वेंटिलेटर्स हैं बच्चों के यूज़ करने के लिए, उसकी भी डिमांड लिख दी गई है,
इसके लिए हमारे पास ऑल्टरनेटिव जो बाईपैप मशीन्स हैं वो भी अवेलेबल हैं हमारे हॉस्पिटल्स में, तो हम इनको भी इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि CHCs और सब डिविजनल हॉस्पिटल्स तक के हम एटलीस्ट एक एक दो दो इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो प्रोवाइड करा सकें। क्या कहेंगे कोरोना काल की जो तीसरी लहर आने वाली है बच्चों को? देखो जी, टाइम के हिसाब से गवर्नमेंट की तरफ से जो हमारे पास गाइडलाइंस आती हैं, जो हमारे प्रोटोकॉल्स हैं, वो तो हम फॉलो करते हैं। इस प्रकार से सरकार ने हमसे सारे रिकॉर्ड भी मांग रखे कि आपके हॉस्पिटल की कितनी कैपेसिटी है, आने वाले टाइम में आप कितना बढ़ा सकते हो, आप लोगों को कितनी क्या मेडिसिन कितने अमाउंट में चाहिए, सब हमने डाटा प्रोवाइड करवा दिया है। जो भी हम ट्रीटमेंट, जो भी हम प्रोग्राम, जो भी ट्रीटमेंट हम करते हैं वो हम गवर्नमेंट गाइडलाइंस को, प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए करते हैं, जैसे जो कि टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप अपडेट होती रहती है, हम उस हिसाब से अपना काम करते हैं। जैसे कि आने वाले, सबको पता है कि थर्ड वेव आने वाली है, तो गवर्नमेंट भी अपनी बहुत अच्छे से तैयारी कर रही है और चाह रहे कि हम उसको और बेहतर तरीके से कर पाएँ, जो कि हमको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हुई हैं सेकेंड वेव्स में, ताकि बच्चों को लेके वो चीज़ और ना हो हमारे पास, किसी के पास भी दिक्कत ना हो। तो हम टाइम टू टाइम गवर्नमेंट की जो भी प्रोटोकॉल्स हम फॉलो कर रहे हैं और करते रहेंगे। ताज़ा और रोचक खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहें हमारे साथ, और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।